बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने यूपी में हुई हत्या अतीक अहमद की उस पर दिया चिंताजनक बयान। देखिए क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। कि आप कोई जेल में हो उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। खैर ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है उस पर हमको नहीं कुछ कहना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब इंसिडेंट एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद नहीं नहीं जो भी हुआ है वो एक अलग विषय, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार दे तो इसको पुलिस को तो इतना ना चाहिए। अब आप जानते हैं हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जाकर के जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तब देखता नहीं है, रहता नहीं है उसके सुरक्षा के लिए, ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है, आप तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है अपराध अपराधियों का खात्मा होना चाहिए। वो तो बड़ा ही दुखद घटना है साहब, सोच लीजिए आई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होके पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा, ये कहीं होता है देश में दुनिया में कहीं कोई होता है जी, तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से। तो वहाँ के लोगों को पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। खैर ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है उस पर हमको नहीं कुछ कहना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब इंसिडेंट एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद नहीं नहीं जो भी हुआ है वो एक अलग विषय, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार दे तो इसको पुलिस को तो इतना ना चाहिए। अब आप जानते हैं हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जाकर के जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तब देखता नहीं है, रहता नहीं है उसके सुरक्षा के लिए, ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुखद हो जाता है। यूपी में पूरे प्रदेश में अब तो उनको सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना होती है तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल। अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग ना सोचिएगा, आप सोचिए इस तरह से होता है अपराधियों का सफाया, मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है इसका मतलब, जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को यह भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा, लेकिन वो कोई उसको निकलेगा बीमार हो गया कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है, तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है इसका मतलब अपनी बात, एक बात हम जानते हैं ना, अब तो लोगों पर जो कब्जा कर लिया है तो उसको क्या कीजिएगा, अब कोई बात कोई ठीक से तो उल्टा उल्टा का बात है। लेकिन हम जो आज बोल दिए हैं ये हमारे सब अधिकारीगण चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आप से लेकर के सब लोग बैठ करके आपको पूरा जो आज हमने बता दिया है उसी के आधार पर सब जगह नोटिस जा रहेगा, चला जाएगा, एक एक जिले को चला जाएगा और शुरू से लेकर के अब तक का